पाकिस्तानी आतंकियों ने अचानक हमारे चौकी पे हमला करके हमारे लगभग सारे सैनिक मार गिराए। बचे हुए सैनिकों से भारत के सीक्रेट मिशन के बारे में पूछा गया और ना बताने पे मौत के घाट उतार दिया गया। मैं उनमें से एक था। बता क्यों नहीं देता सब कुछ? इंशाअल्लाह हमारे साथ आ जाओ, खुदा तुम्हें जन्नत नसीब कराएगा। मुझे क्या जन्नत की लालच दोगे? मेरा हिंदुस्तानी मेरे लिए जन्नत है। क्या तुझे अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं है? मैं अपने हिंदुस्तान से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। क्या दिया है तुम्हारे हिंदुस्तान ने? हमारे साथ आ जाओ, करोड़ों अरबों की संपत्ति होगी तुम्हारे पास, फुल ऐशो आराम से जियोगे। मैं हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान हूँ। अगर जो मैंने गद्दारी कर दी तो उन लाखों मुसलमान जीते जी मर जाएंगे। मेरी माँ सीना ठोक के बोलती है कि उसका बेटा फौज में है। मैंने गद्दारी कर दी तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। कैप्टन विक्रम को अभी भी उस सही मौके का इंतजार था जिसमें वो मेरी जान बचा के उन आतंकियों को मौत के घाट उतार सकते थे। अब भी बोलते हैं तुझसे, बता दे, बता दे हमें। जनरल साहब, अगर ये ज्यादा देर तक जिंदा रहा तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। क्या करा जाए इसका? इसे भी खत्म करना ही ठीक रहेगा साहब। ठीक है, हमने सारे आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। बस दुख इस बात का था कि हमने कुछ भाई, कुछ जिगर के टुकड़े खो दिए थे।